हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ नेत्र रोग के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें पहला रोग है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी वह रोग है जिसमें रात में या फिर खराब रोशनी में व्यक्ति को ठीक से दिखाई नहीं देता है। इसे नेक्टोलोपिया भी कहा जाता है। यह विटामिन ए की कमी से होता है। यह रोग रेटिना की उन कोशिकाओं में विकार के कारण आती है जो मंद प्रकाश में देखने की अनुमति देता है। दूसरा नेत्र रोग है कंजक्टिवाइटिस। आई बॉल और भीतरी पलक की बाहरी झिल्ली में संक्रमण कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। कंजक्टिवाइटिस से आँख में लालिमा आ जाती है और कंजक्टिवाइटिस से आँख के कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है जो आई बॉल के सफ़ेद हिस्से को कवर करती है। यह एलर्जी या बैक्टीरिया या फिर वायरल के संक्रमण के कारण हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस बेहद संक्रामक रोग है जो संक्रमित व्यक्ति की आंखों के स्त्राव के संपर्क में आने से फैलता है। नेक्स्ट है मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। यह एक सामान्य दृष्टि दोष है जिसमें निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। इसमें पीड़ित व्यक्ति के आँख का आकार प्रकाश किरणों को गलत तरीके से अपवर्तित करने का कारण बनता है, जो रेटिना के बजाय रेटिना के सामने इमेज को केंद्रित करता है। इस दोष को दूर करने के लिए माइनस यानी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आँख का रोग है भेंगापन। भेंगापन जिसे स्क्विंट या स्ट्रोबिस्मस या क्रॉस्ड आई कहते हैं, इसमें दोनों आँखें एक सीध में नहीं होती है। ऐसी स्थिति में दोनों आँखें एक साथ एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाती है। दोनों आँखें अलग अलग दिशाओं में देखती है और अलग अलग बिंदुओं पर फोकस होती है। यह समस्या आँखों की मांसपेशियों पर खराब नियंत्रण के कारण होती है, क्योंकि इन्हें तंत्रिकाओं के दोषपूर्ण संकेत मिलते हैं। यह ऐसी समस्या नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। अधिकतर मामलों में आँखों का भेंगापन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट नेत्र रोग है मोतियाबिंद। सामान्य आँखों में प्रकाश पारदर्शी लेंस से रेटिना को जाता है। एक बार जब ये रेटिना पर पहुंच जाता है तो प्रकाश नर्व सिग्नल में बदल जाता है जो मस्तिष्क की ओर भेजे जाते हैं। रेटिना शार्प इमेज प्राप्त करे इसके लिए जरूरी है कि लेंस क्लियर हो। जब लेंस क्लाउडी हो जाता है, जैसा कि मोतियाबिंद में होता है, तो लाइट लेंसों से स्पष्ट रूप से गुजर नहीं पाती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। इसे सफेद मोतिया भी कहा जाता है। जब चश्मे या लेंस से आपको स्पष्ट दिखाई ना दे तो मोतियाबिंद के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प बचता है। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट नेत्र रोग है वो है ग्लूकोमा। इसे काला मोतिया भी कहा जाता है। ग्लूकोमा में हमारी आँखों की ऑप्टिक नर्वों पर दबाव पड़ता है, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचता है। अगर ऑप्टिक नर्वों पर लगातार दबाव बढ़ता रहेगा तो वो नष्ट भी हो सकती है। इस दबाव को इंट्राऑक्युलर प्रेशर कहते हैं। हमारी आँखों की ऑप्टिक नर्व ही सूचनाएं किसी चीज का चित्र मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यदि ऑप्टिक नर्व और आँखों के अन्य भागों पर पड़ने वाले दबाव को कम न किया जाए तो आँखों की रोशनी पूरी तरह जा सकती है। ग्लूकोमा के अधिकतर मामलों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है और न ही कोई दर्द होता है, इसलिए यह दृष्टिहीनता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। काला मोतिया के कारण जब एक बार आंखों की रोशनी चली जाती है तो इसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आंखों की नियमित अंतराल पर जांच करवाई जाए, ताकि आंखों पर पड़ने वाले दबाव का कारण पता लगाकर तुरंत ही उपचार कराया जा सके। नेक्स्ट हमारा जो रोग है वो है हाइपरमेट्रोमिया। इसे दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, लेकिन उसे निकट की वस्तुओं पर फोकस करने में परेशानी होती है। हाइपरमेट्रोपिया में आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें सीधे रेटिना पर फोकस करने के बजाय रेटिना के पीछे फोकस करती है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेस मायोपिया या जरा दृष्टि दोष एक उम्र से संबंधित प्रक्रिया है, जिसमें आँख का प्राकृतिक लेंस क्रमिक मोटा होता जाता है और लेंस के लचीलेपन को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। लेंस से जुड़े मांसपेशियों के तंतुओं में भी उम्र से संबंधित परिवर्तन होते हैं। इस वजह से व्यक्ति को निकट में फोकसिंग करने की क्षमता को नुकसान पहुंचता है। इस प्रकार के दोष से निवारण के लिए हमें द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो का हमारा जो अंतिम रोग है वो है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा आँखों का एक रोग है जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से होता है।
संक्रमित व्यक्ति की आंख और नाक से संक्रमणकारी स्राव होने से उसके संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। किस बैक्टीरिया से संक्रमित लोगों की आंखों और नाक के संपर्क में आने वाली मक्खियां भी इसे फैलाती है। बच्चे खास तौर पर इस रोग के वाहक होते हैं। इस रोग के उपचार में एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन किया जाता है। थैंक यू।